नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। दिल्ली बॉर्डर जाम करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज। दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 21 दिनों से जमे हजारों किसानों को हटाने के लिए दायर याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें लंबे समय से बॉर्डर को जाम किए जाने को लेकर कोर्ट ने 8 किसान संगठन को नोटिस जारी किया है। बता दें, कोर्ट ने उन्हें गुरुवार तक जवाब देने को कहा है। सुनवाई के दौरान शाहीन बागान में हुए विरोध प्रदर्शन का उदाहरण दिया गया। कोर्ट ने जिन किसान यूनियनों को नोटिस जारी किया है, उनमें से एक भारतीय किसान यूनियन भी शामिल है। 10वीं से 12वीं तक स्कूल खोलने का आदेश जारी। झारखंड में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए सभी सरकारी स्कूलों को गुरुवार से खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें, माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी ने इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। जारी आदेश में सरकारी स्कूल के सभी शिक्षकों का आना अनिवार्य किया गया है। इससे पहले 2 शिक्षकों को ही स्कूल आने की अनुमति थी। विधानसभा परिसर के आसपास उच्च भवन का निर्माण नहीं करे मुख्यमंत्री। विधानसभा परिसर के आसपास उच्च भवन का निर्माण नहीं करे मंत्रीगण और वरीय अधिकारियों के लिए निर्मित होने वाले आवास में समरूपता रखे। इस आवासों का डिजाइन मुख्य सचिव के साथ बैठकर तय करे। इस कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखना आवश्यक है। भविष्य में खाली होने वाले पुराने आवास की उपयोगिता क्या होगी, इसका ब्यौरा दे। ये बातें बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी के निदेशक पार्षद की 27वीं बैठक में कहा। ऊर्जा के क्षेत्र में झारखंड आत्मनिर्भर बनेगा मुख्यमंत्री। झारखंड में बिजली उत्पादन के लिए कोयला और पानी समेत सभी संसाधन उपलब्ध हैं, फिर भी अपनी जरूरतों के हिसाब से बिजली उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। हमें अन्य स्रोत से बिजली लेनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाएं, इससे न सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे बल्कि राजस्व में भी इजाफा होगा। हेमंत सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में धरना प्रदर्शन। हेमंत सरकार के वादा खिलाफ के विरोध में भाजपा का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन बुधवार को हुआ। बता दें, धरना प्रदर्शन प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय सहित प्रखंड मुख्यालय में आयोजित हुई। वादा खिलाफी किया, इस्तीफा दे दीपक प्रकाश। झारखंड भाजपा ने राज्य की हेमंत सरकार पर हल्ला बोल दिया है। बुधवार को पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंचायत चुनाव कराने, धान की खरीदी शुरू कराने, बालू घाटों की नीलामी कराने, प्रखंड अंचल थानों से भ्रष्टाचार रोकने सहित युवा बेरोजगारों को रोजगार देने सहित विभिन्न स्थानीय मुद्दों पर प्रखंड कार्यालयों में एक दिवसीय धरना दिया। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपे। बता दें, राज्य के सभी 264 प्रखंडों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश पदाधिकारी, जिला मंडलों के पदाधिकारी सहित हजारों कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि यह सरकार नाकामियों और विफलताओं से भरी सरकार है। विकास के नाम पर एक वर्ष में एक कदम भी नहीं चल सकी। महागठबंधन की सरकार गठबंधन साबित हुई है। पाकुड़ प्रशासन ने पहाड़िया परिवारों के बीच बांटा कंबल। पाकुड़ जिला प्रशासन ने कड़ाके की ठंड पड़ने से पहले ही गरीब लोगों के बीच ठंड से बचने के लिए कंबलों का वितरण शुरू कर दिया। बता दें, बुधवार को डीसी कुलदीप चौधरी व डीडीसी अनमोल कुमार सिंह आदि ने लिट्टीपाड़ा प्रखंड के पहाड़िया परिवारों के बीच कंबलों का वितरण किया। साथ ही उन्होंने लोगों से बढ़ती ठंड से बचने की अपील भी की। राज्यपाल ने 3 पुस्तकों का लोकार्पण किया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राजभवन के दरबार हॉल में रांची विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर कामिनी कुमार द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखित पुस्तक क्रोमोजोम्स का लोकार्पण किया। साथ ही राज्यपाल ने रांची विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता द्वारा लिखित 2 पुस्तकों ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट और कॉरपोरेट गवर्नेंस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का लोकार्पण किया। झारखंड में 190 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जो बोकारो से 18, चतरा 0, देवघर 6, धनबाद 7, दुमका 0, पूर्वी सिंहभूम 30, गढ़वा 4, गिरिडीह 0, गोड्डा 0, गुमला 2, हजारीबाग 5, जामताड़ा 1, खूंटी 4, कोडरमा 4, लातेहार 0, लोहरदगा 3, पाकुड़ 0, पलामू 9, रामगढ़ 6, रांची 87, साहिबगंज 1, सरायकेला खरसावा 0, सिमडेगा 0, पश्चिमी सिंहभूम से 3 मिले हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 112,121 है, जबकि 109,532 लोग स्वस्थ हुए और 1,004 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 99,51,072 है, जबकि 94,89,143 लोग स्वस्थ हुए और 144,487 की मृत्यु हो गई।
भारत में नए केस 18,164 मिले हैं। भारत में कुल एक्टिव केस 3,14,831 है, वहीं झारखंड में एक्टिव केस 1585 है। शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोप में थाना प्रभारी गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोप में गिरिडीह जिले के देवरी थाना प्रभारी गौरव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, गौरव को महिला थाना पुलिस द्वारा बुधवार को गिरफ्तार किया गया। गौरव के विरुद्ध रांची में रह रही एक युवती द्वारा आरोप लगाया गया है। 2 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती मुख्य रूप से बोकारो की रहने वाली है। रांची में 12 साल की बच्ची के साथ 3 बदमाशों ने किया दुष्कर्म। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर इलाके में एक 12 साल की बच्ची को अगवा कर 3 बदमाशों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। बता दें, घटना मंगलवार देर रात की है। मामले में पुलिस ने एक बदमाश को दबोच लिया है, जबकि 2 पुलिस की गिरफ्तार से बाहर हैं। पकड़ा गया आरोपी अनिकेत सांगा जगन्नाथपुर इलाके के कल्याणपुर का रहने वाला है। बढ़ती महंगाई का कारण बीजेपी जिम्मेदार, रामेश्वर उरांव। झारखंड सरकार के वित्त व खाद आपूर्ति मंत्री सह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव बढ़ती महंगाई को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि मूल्य वृद्धि रोकना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। कोरोना संकट में महंगाई बढ़ रही है, जबकि आमदनी नहीं के बराबर है। धंधा व्यापार ठप पड़े हुए हैं, ऐसे में मूल्य वृद्धि एक चिंता का विषय है। बच्चों को मिले स्कूल किट की होगी जाँच। स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दिए गए विद्यालय किट की जांच होगी। बता दें, झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेजा गया है। इस मद में जिलों में 66.12 करोड़ रुपए दिए गए थे। विद्यालय किट में बच्चों को कॉपी, पेन, पेंसिल, कटर व इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देने का प्रावधान है। झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक शैलेश चौरसिया की ओर से जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों को 20 रुपये की दर से कॉपी उपलब्ध कराने की राशि दी गई थी। रांची में खुला पुलिस सहायता केंद्र। रांची के सहजानंद चौक के समीप बुधवार को पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया गया। बता दें, रांची SSP सुरेंद्र कुमार झा ने इस पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। यह पुलिस सहायता केंद्र अपराधियों पर पैनी नजर रखने के लिए बनाया गया है। यहाँ से बीट पुलिसिंग को मजबूत करने का काम होगा। इसके अलावा अपराधियों की गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी। SSP सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि पुलिस सहायता केंद्र में सब इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। ट्रेन यात्रियों के लिए खुशखबरी, जनवरी के अंत से शुरू हो जाएगी सारी ट्रेनें। नए साल पर रेलवे ने रेल का परिचालन सामान्य करने की कवायद शुरू कर दी है। बता दें, रेलवे बोर्ड की तरफ से दक्षिण पूर्व जोन समेत सभी जोन को तैयारी पूरी कर लेने को कहा गया है। रांची रेल मंडल में तैयारियां अंतिम चरण में है। कई ट्रेनों को तैयार कर रांची व हटिया रेलवे स्टेशन पर खड़ा कर दिया गया है। बता दें, जनवरी के अंत तक सारी ट्रेनें पटरी पर उतार दी जाएगी। रांची और हटिया रेलवे स्टेशन से लॉकडाउन से पहले कुल 54 ट्रेनें चलती थी। लातेहार में पुलिस नक्सली मुठभेड़, सब जोनल कमांडर ढेर। लातेहार में सेरक पंचायत स्थित निद्रा गांव के समीप बुधवार की सुबह पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। बता दें, मुठभेड़ में प्रतिबंधित नक्सली संगठन TPC का सब जोनल कमांडर दीपक यादव ढेर हो गया। पुलिस ने उसके पास से एक AK-47 बड़ी मात्रा में गोलियां समेत कई सामान बरामद किया है। इस पुलिसिया अभियान का नेतृत्व झारखंड जगुआर के डिप्टी कमांडेंट कर रहे थे। रामगढ़ में 5% आरक्षण की मांग को लेकर दिव्यांगों ने शुरू किया प्रदर्शन। रामगढ़ नगर परिषद में दिव्यांगों ने 5% आरक्षण के लिए एक बार फिर आंदोलन शुरू कर दिया है। बता दें, राष्ट्रीय दिव्यांग संघ के बैनर तले जिले के सैकड़ों दिव्यांग ब्लॉक परिसर स्थित मैदान में बैठे हुए हैं। बुधवार से शुरू हुई इस अनिश्चितकालीन धरना को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अतहर अली ने कहा कि 3 दिसंबर को भी धरना कार्यक्रम किया गया था, लेकिन उस वक्त 2 वार्ड परिषद ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था। उनके हस्तक्षेप के बाद भी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुंदर यादव ने कोई पहल नहीं की। धन्यवाद। समय के अभाव के कारण आज के लिए बस इतना ही। तो कल से आपको 25 खबरें मिलते रहेंगे। तो चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दे। थैंक यू।